आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। हे गाइस, वेरी वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज यस बैंक के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, और जैसा कि आज हमने देखा मार्केट में जो क्लैप्स आया, यस बैंक लगभग 34% टूटा। क्यों? रीज़न हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आरबीआई है उसने यस बैंक में जो एमडी कम सीईओ मिस्टर राणा कपूर है उनका टेन्योर एक्सटेंड करने से मना कर दिया है, और अब राणा कपूर केवल January 31, 2019 तक ही सीईओ एज एंड एमडी की तरह काम करेंगे यस बैंक के अंदर। उनको स्टेप डाउन करना होगा, कौन उनकी जगह लेगा ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 2005 में जब यस बैंक का आईपीओ आया था उस वक्त ये स्टॉक नियर बाई 40 रुपीज़ के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड करता था। इस बैंक की जो नींव रखी थी वो मिस्टर राणा कपूर और मिस्टर अशोक कपूर। अशोक कपूर अब नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है 26/11 में जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था उसमें अशोक कपूर की डेथ हो गई थी। तो उनकी जो वाइफ है मधु कपूर, उनके पास स्टेक है लगभग 7.5% के आसपास, और एज ऑन June 30, 2018 सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर है वो मिस्टर राणा कपूर है, लगभग 10.7% का स्टेक वो ओन करते हैं। बट अब बात ये आ रही है कि उनके जाने के बाद आखिर कौन नया सीईओ बनेगा, क्या वो यस बैंक के अंदर का ही होगा कोई व्यक्ति या कोई बाहर का व्यक्ति होगा, और ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से आरबीआई ने कहा है, आरबीआई का कहना है कि कोई भी यू नो टाइम पास प्रोफेशनल जो है वो सीईओ नहीं बन सकता, टाइम पास इन द सेंस कि जो प्रोफेशनल बैंकर नहीं है, आप किसी और सेगमेंट से पकड़ के ला के आप सीईओ नहीं बना सकते। जो भी प्योर कोर प्रोफेशनल बैंकर है वही यस बैंक का सीईओ बनेगा आने वाले समय में। तो अब ये बड़ा सवाल है कि कौन बनेगा, लेट्स सी, ये तो आगे बात करेंगे हम लोग। लेकिन जैसा कि पता है कि क्यों हटाए गए राणा कपूर, तो जो सूत्र हैं जो उनका मानना ये है कि 2016 में जिस तरह से जो एनपीए डाइवर्जेंस का मामला था जिसमें कि घोटाला किया गया था, और यस बैंक ने इस तरह से जो है वो डाइवर्जेंस दिखाया था एनपीएस का कि वो 2017 तक पकड़ में ही नहीं आया। एंड उसके बाद जब आरबीआई ने अपने स्तर पर जांच पड़ताल की तो पता चला कि काफ़ी कुछ डाइवर्जेंट जो ग्रॉस एनपीए उसमें है, और उसकी वजह से जो राणा कपूर थी उसकी काफ़ी किरकिरी भी हुई थी उस वक्त, स्टॉक प्राइस भी काफ़ी डाउन हुआ था उस समय। लेकिन आरबीआई ने कोई इस समय स्टेप नहीं लिया था क्योंकि वो सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। 2016 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जो ग्रॉस एनपीए शो किया था यस बैंक ने वो लगभग 749 करोड़ के आसपास का ग्रॉस एनपीए शो किया था, जबकि एज पर द आरबीआई ने जो असेसमेंट किया था उसके हिसाब से जो ग्रॉस एनपीए था वो लगभग 4,925 करोड़ का होना चाहिए, 4,925 करोड़ का एनपीए होना चाहिए था, जबकि यस बैंक ने केवल 749 करोड़ का ही ग्रॉस एनपीए डिक्लेयर किया था। तो वहाँ पर काफ़ी डाइवर्जेंस था और करीब 4,176 करोड़ का डाइवर्जेंस उस वक्त पाया गया था। उसके बाद 2017 में जब चीज़ें क्लियर हुई और ज़्यादा, और 2017 में जब बात आई डिक्लेयर करने की ग्रॉस एनपीए, तो बैंक ने यस बैंक ने 2018.6 करोड़ का जो भी ग्रॉस एनपीए था वो डिक्लेयर किया था, जबकि आरबीआई के असेसमेंट के हिसाब से जो ग्रॉस एनपीए बनता था यस बैंक का वो था 8,373 करोड़, यानी कि लगभग जो टोटल डाइवर्जेंस था ग्रॉस एनपीए में वो लगभग 6,355 करोड़ का था। तो ये एक बड़ा जो गैप आ रहा था ये एक बड़ा कश्मकश का मामला था, और यही शायद एक रीज़न माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक आरबीआई ने किसी भी तरह की कोई सफाई नहीं दी है कि क्यों टेन्योर इनका इंक्रीज़ नहीं किया गया, कोई भी कारण नहीं बताया गया है। बट एक्सपर्ट्स का मानना यही है कि जो डाइवर्जेंस का मामला था उसकी वजह से आरबीआई काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और यही कारण था जिसकी वजह से इनका टेन्योर इंक्रीज नहीं हुआ। ओके, अब आज अगर बात करेंगे तो इसी एक न्यूज़ के चलते जो यस बैंक का प्राइस है लगभग 34% गिरा, और एक मैसिव फॉल के चलते लगभग 25,000 करोड़ रुपए की
जो मार्केट कैप थी इस बैंक की वो आज ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई इसको कहना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट कैप थी इनकी लगभग 73,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी, जो कि अब 48,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप रह गई। तो ये एक बड़ी चीज़ है, एक बड़ी गिरावट थी, लेकिन आगे क्या? सवाल सबसे बड़ा ये है कि आगे क्या, क्या यस बैंक अभी खरीदना बनता है या अभी और ज़्यादा गिरावट की संभावना है, क्या लंबी अवधि में यस बैंक रिटर्न देगा? तो ये बहुत सारे सवाल हैं निवेशकों के मन में, जो ये जानना चाहते हैं कि क्या हम अपने निवेश को बना के रखें या हम सेल करके निकल जाएं। तो दोस्तों देखिए, इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ जो ब्रोकरेज हाउसेस थे उन्होंने इस सभी इशू के बाद अगर आप देखेंगे तो जो रेटिंग्स दी वो कुछ इस तरह थे। गोल्डमैन सैक्स ने डाउनग्रेड रेटिंग दी है, डाउनग्रेड किए रेटिंग को न्यूट्रल, बाई से न्यूट्रल कर दी। पहले गोल्डमैन सैक्स की बाई रेटिंग होती थी, जो कि उन्होंने अब डाउनग्रेड करके न्यूट्रल कर दिया, यानी कि पहले उनका टारगेट था 383 रुपीज़ का यस बैंक के अंदर, जो कि अब घटकर 300 रुपीज़ का रह गया है। सिटी ग्रुप ने भी डाउनग्रेड किए रेटिंग और उन्होंने बाय से सेल के लिए कहा है, मतलब पहले वो बाय बोल रहे थे, अब सेल किया, यानी कि डाउनग्रेड हो गई रेटिंग, और उनका टारगेट 440 रुपीज़ था पहले इशू से पहले, बट आफ्टर द कन्फर्मेशन दैट कि राणा कपूर कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं 3 साल के लिए, उनका जो नेक्स्ट टारगेट आ गया वो 270 रुपीज़ आ गया और उन्होंने सेल कॉल दिए। नामूरा ने भी रेटिंग को बाय से न्यूट्रल किया है और जो टारगेट था उसको कट किया, यानी 500 से घटा के 345 का टारगेट कर दिया नामूरा ने। मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी, उनका जो टारगेट है 425 का है इन लॉन्ग टर्म में। फिलिप कैपिटल ने भी बाय की रेटिंग दी है और उनका टारगेट 460 रुपीज़ का है द लॉन्ग टर्म में। मोतीलाल ओसवाल, उन्होंने भी इसमें बाय की रेटिंग दी है और उनका मानना है कि जो टारगेट हो सकता है वो 350 रुपीज़ का आ सकता है। 2005 से अगर जब आईपीओ लॉन्च हुआ था उसका लगभग 40-45 की रेंज में था और अब तक अगर हम बात करेंगे तो लगभग 4,380% के आसपास का जो मुनाफा है, जो राइज है, वो यस बैंक के अंदर आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं पिछले जो 12 से 13 साल रहे हैं वो कितने शानदार रहे हैं यस बैंक के लिए अंडर द सुपरविज़न ऑफ मिस्टर राणा कपूर। और माना ये भी जा रहा है कि राणा कपूर अगर MD CEO नहीं भी रहेंगे तो वो खुद को एज ए चेयरमैन नियुक्त करेंगे बैंक का, और एज ए चेयरमैन भी एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बियर कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यही सोर्सेज यही बता रहे हैं कि वो खुद को चेयरमैन एज ए चेयरमैन डिक्लेयर करेंगे और नया MD और CEO जो भी होगा वो चुनने का काम 25 सितंबर को आउट होगा, यानी कि 25 सितंबर को जब बोर्ड मीटिंग होगी तब ये डिसाइडेड होगा, ये पता चलेगा कि हु विल बी द नेक्स्ट CEO ऑफ द यस बैंक। अब पॉसिबल रिप्लेसमेंट कौन कौन थे ये एक बड़ा क्वेश्चन है, बट दोस्तों कुछ नाम सामने आ रहे हैं कि कौन कौन थे जगह ले सकते हैं राणा कपूर की, क्योंकि देखिए राणा कपूर इतना बड़ा नाम है, उन्होंने बैंक को एक छोटे से स्तर से एक विश्वव्यापी बैंक बना दिया। हम सभी जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में दिग्गज बैंक है, थर्ड लार्जेस्ट बैंक है, ठीक है। अगर आप NPA भी देखेंगे तो इससे कहीं ज़्यादा NPS यस बैंक के ऊपर हैं, कहीं ज़्यादा जो डर है वो एक्सिस बैंक के NPS ज़्यादा हैं, जो कहीं ना कहीं ट्रस्ट की कमी है वो एक्सिस बैंक में थोड़ा सा फिर भी फियर रहता है, लेकिन यस बैंक में ये एक प्योर कमर्शियल बैंक है और जो बिलीफ है, जो ट्रस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है इस बैंक का। तो इसके जो पॉसिबल रिप्लेसमेंट है जो हमने ढूंढे हैं और हमें पता चले हैं कुछ सोर्सेज के थ्रू, दोस्तों करंट जो सीनियर ग्रुप प्रेसिडेंट हैं यस बैंक के ही सीनियर ग्रुप प्रेसिडेंट जो हैं वो फाइनेंशियल मार्केट प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट यस बैंक के, वो है रजत मोंगा, ठीक है। ये ग्रुप प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट हैं। दूसरा नाम जो आ रहा है वो सामने निकल के आ रहा है HDFC बैंक के आउटगोइंग डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर प्रकाश सुखथंकर, ठीक है। तो दो हैं, पहले यस बैंक के रजत मोंगा हैं और दूसरे प्रकाश सुखथंकर हैं, जो कि HDFC बैंक के आउटगोइंग, ठीक है, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो ये दो नाम अभी सामने आ रहे हैं, बाकी माना जा रहा है यस बैंक के भी लगभग 9 डायरेक्टर्स हैं जिनके बारे में चर्चा हो सकती है, उनकी एलिजिबिलिटीज पे भी बात हो सकती है। लेट्स सी कि 25 सितंबर को क्या आउटपुट आता है, लेकिन ये सारे र्यूमर्स हैं, क्योंकि जब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब उन्होंने
कांटेक्ट करने की कोशिश की प्रकाश सुप्तांकर और रजत मोंगा को, तो उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, उनसे बातचीत नहीं हो पाई। ओके, सो June 30, 2018 की अगर हम बात करते हैं, मतलब जो रिसेंट क्वार्टर गया है Q1, उसमें राणा कपूर की जो टोटल शेयर होल्डिंग थी वो 10.7 की है, जबकि मधु कपूर की यानी कि अशोक कपूर की जो वाइफ है उनके पास लगभग 7.6 करोड़ का स्टेक है। तो यानी कि जो मेजर स्टेक होल्डर हैं वो यस बैंक के अंदर राणा कपूर ही है, और उनका बहुत बड़ा रोल आगे भी यस बैंक के साथ रह सकता है। ऐसा नहीं कि मतलब अब MD CEO नहीं रहेंगे तो वो यस बैंक के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं है। डियर 10.7% का स्टेक ओन करते हैं राणा कपूर, और इसी वजह से ये बहुत ही ज़बरदस्त र्यूमर आ रही है कि वो खुद को एज ए चेयरमैन नियुक्त करेंगे और एज ए चेयरमैन वर्कआउट करेंगे बैंक के साथ जुड़ के। लेकिन आज ही रिसेंटली एक शाम को इवनिंग में एक नेगेटिव न्यूज़ और छोटी रही, हालांकि बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ है, बट कहते नहीं जिस समय सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं उस वक्त एक मामूली सी न्यूज़ भी बहुत बड़ी सी प्रतीत होती है। यू नो, जो GST डिपार्टमेंट है उसने यस बैंक के ऊपर 38 करोड़ का फाइन डाला हुआ है कुछ डोमेस्टिक रेमिटेंस जो थे उनके चलते, और यस बैंक का कहना है कि इस तरह की कोई फाइन नहीं पड़ा हुआ, कोई भी ऑफिशियल नोटिस हमें नहीं आया किसी भी तरह का, बट जो उन्होंने पेमेंट किया है 38 करोड़ वो बेसिकली इन प्रोटेस्ट है, और वो किसी केवल यस बैंक के पास ही नहीं आया, वो जो अदर पीयर बैंक्स हैं उनके पास भी इस तरह के जो यू नो डिमांड है वो ज़रूर आई हैं, और इस डिमांड का कोई भी शो कॉज नोटिस नहीं आया, कोई लेटर नहीं आया। ये उनका कहना ये है बैंक का कि ये एक म्यूचुअल मीटिंग हुई थी जो कि टैक्स डिपार्टमेंट था और बैंकर्स के बीच में, और उसमें ये डिसाइड हुआ था कि इतना एक्स्ट्रा जो पेमेंट है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस केवल सिंपल ये चीज़ थी। अब बाकी क्या एक्चुअलिटी है वो तो खैर बैंक जानता है या फिर टैक्स डिपार्टमेंट जानता है। ठीक है, एंड रेस्ट हम बात करेंगे तो जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसका मानना है कि जो बैंक है उन्होंने रूल्स को वायलेट किया हुआ है और उन्होंने अंडर पेड टैक्स वसूला है जो लोकल, इवन जैसे कि आप सपोज कीजिए कि कुछ लोग यू नो अर्बन एरियाज में रहते हैं और उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स रूरल एरियाज में रहते हैं, तो जब वो ट्रांसफ़र करते हैं अमाउंट्स को बैंक के थ्रू तो उस रेमिटेंस के समय जो डिडक्शन होता है वो कुछ ज़्यादा डिडक्शन किया गया है बैंक के थ्रू, जिसकी वजह से ये पेनल्टी इम्पोज की गई है। खैर ये कोई बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। आइए हमने बात की यस बैंक के आगे अब क्या रणनीति होनी चाहिए। ट्यूसडे यानी कि 25 सितंबर को बोर्ड मीटिंग है जिसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि नाम सामने आ सकते हैं कि हु विल बी द सक्सेसर ऑफ द यू नो मिस्टर राणा कपूर। और अभी प्राइस का मोमेंट क्या है इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं जिन लोगों के पास स्टिल स्टेक पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये सबसे पहले हम लोग निफ्टी के बारे में ब्रीफली, एक बहुत ही ब्रीफली बताता हूँ निफ्टी के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी में हमने आप सभी लोगों से पहले भी डिस्कशन किया था कि निफ्टी ने 11,760 का पीक टच किया था एंड उसके बाद वहाँ तक करेक्शन गिरा और एक ट्रेंड लाइन के दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। और आप देखेंगे आज भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे गया जरूर, लेकिन क्लोजिंग उस ट्रेंड लाइन के अंदर ही दी है। और हमने जैसे कि आप सभी को बताया था कि जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी का वो 11,158.95 है, और आज आप देखेंगे कि 158.95 के लिटिल बिट नीचे यानी 11,143 के लेवल पर क्लोजिंग आई है आज, यानी कि जो 50% का जो स्टॉप लॉस था 11,158 का उस वो ब्रेक हो गया है और उसके नीचे की क्लोजिंग 11,143 की। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 11,017 का। और जैसे कि आज हमने देखा कि मार्केट में जो गिरावट आई उसके चलते तकरीबन 10,860 या 865 के आसपास तक निफ्टी जा चुका है, तो ये हमारा सबसे मेजर सपोर्ट लेवल अब हम मान के चलेंगे इसको 10,860, क्योंकि अगर 10,860 टूटा फिर एक बड़े फॉल की संभावना से नकारा नहीं जा सकता। सो आप तैयार रहिए आने वाली हर परिस्थिति का सामना करने के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मार्केट में ये क्या हुआ, इतना धड़ाम हो गया। दोस्तों ये ही एक्चुअल रियलिटी है मार्केट की। जो लोग ये समझते हैं कि मार्केट का मतलब, स्टॉक मार्केट का मतलब प्रॉफिट, पैसा, खूब पैसा और अमीर बन जाना है, तो गाइस वही लोग अमीर बनते हैं, वही लोग स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कमाते हैं। जो जैसे सिचुएशन आज फेज़ की है DHFL वालों ने, हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक ने, सेम सिचुएशन फेस करने के लिए आप ऑलवेज रेडी रहेंगे
पैनिक नहीं होंगे, इमोशनल कंट्रोलिंग करेंगे, अपनी पोजीशन को बहुत ही प्रॉपर और वेल मेंटेन्ड वे में हैंडल करेंगे, तभी आप नुकसान से बच सकते हैं और प्रॉफिट में आ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा 10,860, बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है निफ्टी का, अगर वो टूटा तो ज़्यादा वीकनेस की संभावना है। खैर अभी तो फिलहाल 11,017 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक 11,000 नहीं टूटता तो हम लोग उसके नीचे की बात नहीं कर सकते। पहले 11,000 के लेवल की बात करते हैं, 11,000 इज द मेजर यू नो साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल, अगर वो टूटता तो 10,860 विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट, और अगर 10,860 भी टूटता है देन 10,500 का लेवल विल बी द मोस्ट पॉसिबल लेवल इन द कमिंग मंथ्स। ओके, खैर अब यस बैंक के चार्ट्स पे हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये देखिए आपने आप कैंडल को देखिए, गैप्स ही गैप्स, यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ था जो कि तकरीबन 30 अगस्त की कैंडल और तकरीबन 31 अगस्त की कैंडल, माफ़ कीजिएगा, 30 अगस्त की और 31 अगस्त की कैंडल के बीच में गैप मेंटेन हुआ। उसके बाद कल यानी 19 सितंबर और आज यानी 21 सितंबर सॉरी परसों 19 सितंबर और आज यानी कि 21 सितंबर के बीच में अगर हम बात करते हैं, 19 सितंबर और 21 सितंबर के अगर दो कैंडल के बारे में बात करते हैं, तो 318 के बाद सीधे जो स्टॉक ओपन हुआ वो हुआ तकरीबन 287 रुपये पर, 287 पे, तकरीबन 33 रुपीज़ के आसपास का एक गैप मेंटेन हुआ है इन दोनों ही कैंडल्स के बीच में। एक बड़ी फॉलिंग आई है, बड़े वॉल्यूम के साथ फॉल हुआ है और आज का जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो लगभग 29.5 करोड़ रुपए का टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, सही 29.62 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। ठीक है, एंड अभी RSI भी ऑलमोस्ट काफ़ी नीचे है और मुझे लगता है कि RSI भी लगभग 15 के आसपास से काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में है, बट स्टिल मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से जो गिरावट है वो बहुत ही, अब बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए। हम लोग मान के चल रहे हैं 217 यानी इस कैंडल का जो लोअर साइड है 217.8 यानी 217 रुपीज़ विल बी द मेजर स्टॉप लॉस एंड सपोर्ट लेवल इन द यस बैंक। और अपकमिंग डेज में टू डेज बचे हैं, मंडे एंड ट्यूसडे, दोनों दिन के अंदर कैसा मोमेंट रहता है, एवरी इन्वेस्टर इज वेटिंग फॉर द 21 सितंबर फॉर द बोर्ड मीटिंग, क्या डिसीजन आता है, क्या आउटकम आता है, कौन नया CEO बनेगा, राणा कपूर का क्या रोल रहेगा बैंक के अंदर, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अभी फ़िलहाल सभी निवेशकों के मन में चल रहे होंगे। और इसका जवाब तो खैर 25 सितंबर को ही मिलेगा कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये यस बैंक के बारे में बात की हमने और आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट पे भी कितना स्ट्रॉन्ग लेवल मेंटेन किया, आज एक बड़ी कैंडल से गिरावट हुई है, एक बड़े वॉल्यूम से भी गिरावट हुई है, लेकिन इस 224 के लेवल के नीचे की क्लोजिंग नहीं आई है वीकली चार्ट पे। आज वीक क्लोज हो चुका है और आप देख सकते हैं 224 के ऊपर की आज क्लोजिंग यानी 226 की क्लोजिंग है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है कि यहाँ से मंडे ऑनवर्ड हम रिवर्सल की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। अगर 224 ब्रेक नहीं होता है वीकली चार्ट पे, हो सकता है कि मंडे ऑनवर्ड मंडे या ट्यूसडे कुछ फॉल आए एंड 217 या 216 के लेवल तक स्टॉक आपको लेके जाए दिखाई दे, बट द नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि जो यस बैंक का स्टॉक है वो इस सपोर्ट लेवल यानी ये वाला जो मेजर सपोर्ट मेंटेन करके चला है 224 का, उसके ऊपर ही क्लोजिंग देगा नेक्स्ट वीक में, बट वीकेंड में जो भी वीकेंड रहेगा लास्ट ट्रेडिंग डे रहेगा उसमें। एंड मंथली चार्ट पे अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये मैं मंथली चार्ट पे भी आपको लेबल दिखा देता हूँ, एंड आई होप कि मंथली चार्ट पे भी लगभग स्टॉक जो यस बैंक है इस महीने के लास्ट तक 230 के ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए। एंड दिस इज़ द वेरी गुड एंड यू नो एवरी डिप जो भी मिलती है आपको 10-5 रुपए की, अगर आपको और डिप मिलती है यस बैंक के अंदर देन डेफिनेटली दिस इज़ द बिगेस्ट थर्ड बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड मोस्ट ट्रस्टेड बैंक। ठीक है, जिसके चलते कुछ ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ डाइवर्जेंस के इश्यूज़ रहे हैं, बट डाइवर्जेंस के इश्यूज़ तो हर बैंक के साथ है, चाहे वो आप एक्सिस बैंक के साथ देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो डाइवर्जेंस के इश्यूज़ हैं वो एक्सिस बैंक के साथ है लगभग 15,000 करोड़ के, HDFC बैंक के भी डाइवर्जेंस के इश्यूज़ हैं, यू नो इंडसइंड बैंक के भी डाइवर्जेंस के इश्यूज़ हैं,
और यस बैंक के भी डाइवर्जेंस की, तो दैट इज़ नॉट अ बिग कंसर्न। ये केवल एक तरीके का फिलहाल कहते नहीं कि जब एक सेंटीमेंट्स नेगेटिव होते हैं तो उस वक्त छोटी छोटी सी चीज़ें भी बहुत बड़ी नज़र आती हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पीछे हम सभी ने देखा 12,500 करोड़ का एक घोटाला हुआ नीरव मोदी के द्वारा, तो अब थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस है RBI के अंदर, तो NPS को लेकर गवर्नमेंट भी काफ़ी सख्त है NPS की रिकवरी के लिए। और यही कारण है केवल कि जो ये इस समय फाइनेंशियल सेक्टर उसके अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। और साथ ही दोस्तों देखिए, रुपी का डेप्रिसिएशन भी एक बहुत ही चिंताजनक बात है। जिस तरह से रुपी जो है 72-73 के बीच में ट्रेड कर रहा है, होपफुली कि आने वाले दिनों में हमें रुपी आने वाले महीनों में अगले फिलहाल तो हाल फिलहाल में नहीं बट इन कमिंग मंथ्स जो रुपी का लेवल रहेगा वो लगभग वापस 69 के लेवल तक आ सकता है। बट कब तक आएगा ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ऊपर कहाँ तक रुपी जाएगा ये भी एक सोचने वाली बात है। फिलहाल 73 के आसपास टच करने जा रहा है रुपी, एंड उसके बाद क्या 73 को क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, सो लेट्स सी, देखते हैं। मार्केट में है ये, तो जब आप मार्केट को वॉच करेंगे क्लोजली, बिकॉज यू नो नोबडी, कोई भी इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं है पूरे दुनिया के अंदर जो ये कह दे कि भाई यहाँ से ये हो सकता है और यहाँ से ये हो सकता है। अगर ऐसा होता तो आज DHFL में बहुत पैसा लोगों ने कमाया होता, आज DHFL के बारे में लोगों को बहुत पहले पता चल गया होता। तो ये है चीज़ें, एक एक जो धड़ाम से गिरावट आई मार्केट के अंदर, बड़ा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, बट एट द एंड ऑफ द डे एक शार्प रिकवरी भी आई जो इंडिकेट करती है कि हमेशा फंडामेंटल ही सब कुछ नहीं होते, कभी कभी टेक्निकल्स आपको बहुत कुछ बता जाते हैं। मैं मानता हूँ कि फंडामेंटल हमेशा लॉन्ग टर्म में वर्क करते हैं। आज अगर यस बैंक नीचे है तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में वापस ही अपने लेवल्स को अचीव कर लेगा। DHFL अच्छा बिजनेस सेगमेंट है, अच्छे फंडामेंटल थे, तो अगर आज गिरावट भी है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे वो रिकवर कर देगा। लेकिन दोस्तों उस फियर को कौन मेंटेन करेगा? जिन लोगों ने 600 रुपये पर ख़रीदा उनको एक ही दिन में वो 300 रुपये दिखाई दे, 250 रुपये दिखाई दे, तो वो जो फियर है, वो जो पेन है, उसको हैंडल कितने लोग कर पाते हैं ये बड़ी चीज़ है। जिन लोगों के अंदर वो पेशेंस होता है, वो धैर्य होता है, अपने एनालिसिस पर भरोसा होता है, जो दूसरों के कहने से ही इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जो खुद जांचते हैं और परखते हैं, वही असली जौहरी होते हैं। और जो असली जौहरी होता है दोस्तों, वही अमीर बनता है, हर कोई नहीं बनता। सो सुनी सुनाई बातों पर आप विश्वास ना करें। बहुत से अभी मैं यूट्यूब पर भी चेक कर रहा हूँ, बहुत से चैनल ऐसे भी हैं जो लोग कट एंड पेस्ट कर रहे हैं CNBC आवाज़ को, जी बिजनेस को। मैं ये नहीं कहता कि ठीक है एवरीवन, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, बट देखिए CNBC आवाज़ और जी बिजनेस, अगर आप उनके वीडियोस को देखते हैं, उनके चैनल्स को देखते हैं, तो आप डेफिनेटली देखिए, लेकिन केवल न्यूज़ के लिए कि क्या न्यूज़ आई है, क्योंकि ये लोग न्यूज़ के बारे में कम बात करते हैं और पैनिक ज़्यादा क्रिएट करते हैं। और जिसके चलते जो रिटेल निवेशक है वो अच्छे स्टॉक में थे भी, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में भी एक शॉर्ट टर्म की पैनिक सिचुएशन के चलते गिरावट में ही बेच देता है, लॉस में बेच देता है, जबकि अगर वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखे तो जैसे ही मार्केट में रिकवरी आती है उसका पैसा रिकवर हो जाएगा। बट ठीक है, हर कोई चल रहा है, जो लोग लाइक करते हैं वो लाइक करें, कोई ऐसा मेरे को कंसर्न नहीं है। बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि जी बिजनेस और CNBC आवाज़, ये दोनों ही चैनल जो चल रहे हैं आज की तारीख में, ये लोग जो बात करते हैं वो रिटेल निवेशक के लिए नहीं है, क्योंकि इनकी जो बातों का जो प्रभाव आएगा आपके ऊपर वो बहुत ही नकारात्मक जाएगा। और कहीं ना कहीं आप इनकी बातों में आके, क्योंकि जिस तरह की बात चल रही है कि क्या ये एक बड़ी गिरावट की शुरुआत है, क्या मार्केट में ये होने वाला है, क्या यस बैंक 150 रुपये चला जाएगा, क्या DHFL 100 रुपये चला जाएगा, सो इस तरह के जो बातें निकल के आती हैं, इनका कोई तथ्य नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है। और इस तरह के, क्योंकि एवरीवन नोज यार, जो बड़े निवेशक, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको सबको पता है कि यस बैंक क्या है, DHFL क्या है, इंडिया बुल्स हाउसिंग क्या है, LIC हाउसिंग फाइनेंस क्या है, और जो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर है उसका क्या फ्यूचर होने वाला है, एवरीवन नोज। और ऐसा नहीं है कि यस बैंक में गिरावट आई है तो यस बैंक के अंदर एक बड़ी डील हुई है, बल्क डील हुई है, और डेफिनेटली जो आपका DHFL है उसमें भी डेफिनेटली बल्क डील हुई होगी, मैंने अभी चेक नहीं किया। बट जब भी इस तरह के लोअर लेवल्स आते हैं, एक सडन फॉल आते हैं, तो वहाँ पर बड़े निवेशक, जो बड़े यू नो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बल्क डील करते हैं लोअर प्राइजेस पर, क्योंकि उनको बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन मिल जाते हैं अचानक से। खैर, तो कुर्सी पे बैठ के तो खैर राणा कपूर यही सोच रहे हैं कि कौन किसको बनाया जाए, नया CEO कौन बनेगा, एंड बोर्ड मीटिंग में क्या हम लोग
सोचेंगे, बट ठीक है दो दिन वेट करते हैं। 25th को राणा कपूर जी का पूरा बोर्ड मेंबर ये हमें बताएगा कि कौन नेक्स्ट CEO और MD होगा और राणा कपूर जी का क्या रोल रहने वाला है येस बैंक के अंदर। तो आप लोगों की कुछ क्वेरीज होती हैं येस बैंक में तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, कुछ सुझाव हैं, तो डेफिनेटली आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल ID moneytreegrowing17@gmail.com। और कुछ भी आपको नया इन्फॉर्मेशन मिलता है, कुछ भी आपको नई न्यूज़ मिलती है जो कि काफ़ी वैल्यूबल हो सकती है अदर लोगों के लिए भी, तो प्लीज़ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। और मेरा टेलीग्राम नंबर है 7217718769। अगर आपकी कुछ कैजुअल क्वेरीज हैं तो आप लोग कभी भी आके किसी भी समय पूछ सकते हैं, बट फॉर द स्टॉक रिकमेंडेशंस आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि आप स्टॉक रिकमेंडेशंस के लिए मेरे पास आइए, आप लोग कैजुअली आ सकते हैं, बात कर सकते हैं हम लोग 1-to-1। बट उस कैजुअल केस में हम लोग स्टॉक सजेशन नहीं करेंगे, आपको प्राइस लेवल नहीं बताएंगे। हाँ, आपके जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको हम मैक्स टू मैक्स शॉर्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे जिससे आपको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल पाए। तो आज इतना पे ही समाप्त करते हैं दोस्तों, कल हम फिर जल्दी ही मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत कुछ है बताने के लिए मार्केट में, क्योंकि एकदम से इस हफ्ते में जो एक घमासान मच गया, तूफान आ गया, उस तूफान के चलते कितने लोग धराशाही हुए ये तो शायद मार्केट ही जानता होगा, बट जो लोग बच गए उस तूफान में वो डेफिनेटली सर्वाइव करेंगे और अपनी मंजिल को अचीव करेंगे। सो आज बस इसी उम्मीद से, इसी शुभकामनाओं से कि हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं वो जुड़े रहेंगे, सस्टेन करेंगे, पैनिक से बचेंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे और इस तूफान के गुजर जाने का इंतज़ार करेंगे। क्योंकि अगर ये तूफान गुजर गया और आप खड़े रहे तो दोस्तों फिर आपको कोई गिरा नहीं पाएगा। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, अपने पैसे का ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटजी बनाइएगा, प्रॉपर एनालिसिस कीजिएगा एंड उसके बाद सही तरीके से सही समय पर निवेश कीजिएगा, तभी आपको अच्छा और बड़ा मुनाफा मिलेगा। हमें आज्ञा दीजिए, हम मिलते हैं जल्दी फिर आपसे। जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।